असां हिन सुख में हुननि सां गॾु आहियूं। तव्हां सवाल कयो आर्टिकल 149(4) जो, या जेको मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट वरी शुरू कयो आहे, इहा का नई ॻाल्हि कोन्हे। हर 2-3 सालनि खां पोइ कंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते पहिरीं त हिननि वटि जेको कराची जी लोकल गवर्नमेंट हुई, मेयर हो, त इहे ख़ामोश हुआ। का शइ न हूंदी अथनि त वरी क़िस्म जी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। पर मां तव्हां खां थो पुछां, मूंखे छॾियो, ऐं जेको कयां या न कयां, तव्हां सभु हिते बीठा आहियो, छा तव्हां सिंध जी विरायगी जेको ॻाल्हि कंदो त हुनखे उहा ॻाल्हि करणु ॾींदो? तव्हां न ॾींदो त पोइ तव्हां सभु मूंसां गॾु आहियो, असां तव्हां पीपल्स पार्टी सां गॾु आहियो, त कीअं थींदी अहिड़ी ॻाल्हि? हिन ॻाल्हि खे छॾे ॾियो। अलाए का साज़िश कोन्हे। साज़िश कामयाबु करण लाइ या अहिड़ी साज़िशुनि जे लाइ तव्हां उनखे ॾींदो, इजाज़त ॾींदो? बिल्कुलु इजाज़त कोन ॾींदो, मूंखे ख़बर आहे। इन करे इहे साज़िशूं कॾहिं GTA ऐं PTI तरफ़ां हिकु दफ़ो ॿीहर PP सरकार सिंधी सरकार जे ख़िलाफ़ु उन्हनि आगाही मुहिम हलाइण जो हिकिड़ो ऐलान शुरूआति करे, छा चवंदो तव्हां? इन्हनि ख़तमु कॾहिं कयो इहे मुहिम? ख़तमु ई कोन कई, पहिरें ॾींहं खां पिया था कनि। सियासत सभिनी जो हक़ आहे, उन्हनि खे इजाज़त आहे भले सियासत कनि। शेख रशीद कह रहे हैं कि में बिलावल भुटो और मौलाना फज़ल रहमान का डेटा ज़ाहिर कंदो या पर क़यामत बर्पा हुजे, इसमें ऐसी क्या बात है? ये शेख रशीद से पूछें भाई, ये जो बातें करता है शेख रशीद को पता नहीं क्यों सीरियस लिया जाता है। उनकी जो हिस्ट्री है उससे सब वाकिफ़ है। मैं किस नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन इन चीज़ों को सीरियस ना लिया करें। सर शेख रशीद यह गाल कही है तो मुझे सिंधी वे वजीर मुराद अली शाह से मुलाकात भी थी, बेहतर थो है। बो जो इन वक्त KCR मनसूबे 10 बिलियन खर्च इंदा, ऐं सिंध जेका आहे सो असां सिंध सां गॾु आहियूं, ऐं मां हर 15 ॾींहं जेका सो कराची पहुचंदुसि ऐं मीटिंगूं थींदियूं, इन वाले छा चवंदो सर? मुंहिंजी शेख रशीद सां हिकिड़ी मुलाक़ात ज़रूरु थी आहे KCR जे सिलसिले में, अॼु खां कुझु 3-4 महीना पहिरीं, जॾहिं सुप्रीम कोर्ट हिन केस खे खयो हो। ऐं असां पाण चाहियूं था त इहो KCR जो मनसूबो जल्द सां जल्द मुकमल थिए, ऐं फेडरल गवर्नमेंट सां जी असांखे ज़रूरत पवंदी साकार जी, इन लाइ सो सिंध सूबे जी तरक़ी लाइ त असां बिल्कुलु पंहिंजो जेको आइनी किरदारु आहे उनखे पूरो करण लाइ तयारु आहियूं। 200% इंसानी जानियूं बचाइण, दवाउनि जो टैक्स लॻाए करे उनखे महांगो कयो आहे, इनखे कीअं था ॾिसो? इनखे आउं शदीद लफ़्ज़नि में मुज़म्मत थो कयां। अहिड़ी हालति में जॾहिं गुरबत तमामु वधी वई आहे, हिन मुल्क में जेको करोना वारो मर्ज़ु अञा हले थो पियो, असां वटि माकड़ जो मसइलो आयो, वरी हींअर जेको ॿोॾि आई आहे, ख़ासि तौर ते असांजा 8-9 ज़िला जेके लेफ्ट बैंक ते, ईअं त टोटल 20-21 ज़िला अफेक्ट थिया आहिनि। इन वक़्त में ग़रीबनि ते वधीक बोझ विधणु इन जी सख़्तु मज़म्मत। मीटिंग्स में कुझु कहते हैं और बार बार जाकर कुछ कहते हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ है। मैं जो चीज़ है अगर ऐसी बात है नहीं, और अगर कहते हैं तो मैंने नहीं सुना कि उन्होंने ये बात कही है। उनको मैं जो बात है अपनी मीटिंग्स में पूरी तरीके से। सीएम साहब, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो खिताब किया, उस खिताब को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर मुल्क के वज़ीर आज़म को या जो हेड ऑफ़ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उनको ये सेप्टेम्बर में UN की एक इजलास में खिताब करना होता है। पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज़मीनी हकायक उससे मुख्तलिफ हैं, वो ट्रांसलेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा वो जो बात करते हैं। और मैं सिर्फ यही कहूँगा वज़ीर आज़म से कि वो अपना आइनी किरदार पूरा करें, और सबसे पहले अपने मुल्क के लोगों में जो तकालीफ है, ख़ास तौर पर मैं सिंध सूबे का वज़ीर आला हूँ, तो सिंध के अंदर जो अभी हालिया बारिशों की वजह से जो सैलाबी सिचुएशन पैदा हुई है, उसमें लोगों का ख्याल कराची कोई कराची